हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी महीनों के नाम पढ़े थे और आज हम जानेंगे भारतीय महीनों के नाम। ठीक है, अंग्रेजी महीनों की तरह ही हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि हम जितने भी त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि दीपावली, रक्षाबंधन, होली, दशहरा, वे सभी हम अपने भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही मनाते हैं। हिंदू नववर्ष की प्रारंभ बच्चों चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से होती है, यानी भारतीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र का होता है और चैत्र से ही हमारा भारतीय हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। उसके बाद बैसाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ में खूब बारिश होती है। उसके बाद श्रावण। बच्चों, श्रावण माह की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं। उसके बाद भाद्रपद, फिर आश्विन। बच्चों, आश्विन की दशमी तिथि को हम दशहरा मनाते हैं। जानते हैं ना हम दशहरा, जिसमें हम रावण का पुतला फूंकते हैं। उसके बाद कार्तिक। बच्चों, कार्तिक माह की अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं। उसके बाद मार्गशीर्ष, पौष, फिर माघ, फागुन। बच्चों, फागुन भारतीय कैलेंडर का आखिरी महीना होता है और फागुन माह की पूर्णिमा को हम होली का त्यौहार मनाते हैं। आइए बच्चों, हम एक बार फिर से इन हिंदी माह को दोहराते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। बच्चों, हिंदी माह के नामों को आप याद करिएगा और लिख लिख कर देखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।